जालौन जिले में हजारों की संख्या में ट्रांसपोर्टर बालू का अवैध परिवहन कर दूसरे जिलों में ले जाते हैं, जिससे सड़कों पर गड्ढों के साथ दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए खनिज विभाग ने माइन टैग कार्ड की शुरुआत की है। ये कार्ड 185 रुपये में पंजीकरण कराकर ट्रांसपोर्टर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि इसके जरिए संबंधित अधिकारी अवैध परिवहन कर रही गाड़ी को ट्रेस कर कार्रवाई कर सकेंगे और जो ट्रक खनिज परिवहन करते समय इस कार्ड को नहीं लगाएंगे उनके ऊपर 2 गुना जुर्माना किया जाएगा। अवैध परिवहन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से शासन ने ये व्यवस्था की है। प्रदेश में कई जनपदों में माइन टैग लगाने का काम किया गया है। जो खनिज के परिवहन में उपयोग हो रहे हैं उन सभी वाहनों में माइन टैग लगाकर परिवहन करेंगे। तो इससे क्या लाभ पहुंचेगा, अवैध परिवहन का रोक लग पाएगी? ये मॉनिटरिंग एक जोलूपुर मोड़ है, जोलूपुर मोड़ के पास में एक सिस्टम के माध्यम से कैमरा लगाकर वहाँ पर गाड़ियों को निगरानी रखी जाएगी और वो सिस्टम हमारे लिए जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय के लिए शासन जो गड़बड़ी मिलेगी उसको अपडेट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे।